शुक्रवार को दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जॉइंट कमिश्नर मुरादाबाद के परिसर में लगे हरे भरे एवं पुराने फलदार वृक्षों को काटे जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शुक्रवार को दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के कोषाध्यक्ष गोपाल कृष्ण द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुरादाबाद मंडलायुक्त कार्यालय के पास स्थित जॉइंट कमिश्नर मुरादाबाद के परिसर में लगे वर्षों पुराने फलदार वृक्षों के काटे जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर मांग की गई कि जॉइंट कमिश्नर मुरादाबाद के परिसर में लगे 50 वर्ष पुराने फलदार वृक्ष को काटा जा रहा है कि मुरादाबाद अति प्रदूषित नगर की श्रेणी में आता है। उक्त वृक्षों के काटे जाने से और भी प्रदूषण की श्रेणी में आ जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री अधिक वृक्षारोपण लगवाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के द्वारा वृक्षों के कटान करने से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। क्या नाम आपका? सर, मैं गोपाल द्विवेदी एडवोकेट। सर, आज जो आपने अध्यक्ष हूँ जिला दीवार लाइब्रेरी मुरादाबाद, आज जो आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग है आपने? अभी पता चला है कि संयुक्त विकास कमिश्नर जो है यहाँ चौराहे पे है, कमिश्नर साहब के पास ही उनका जो ऑफिस है, वहाँ पे जो है बहुत बहुत पुराने वृक्ष हैं, हमने 50-50 साल से हरे भरे वृक्ष हैं और फलदार भी हैं, हमने कहीं गुलड़ गए हैं कहीं कहीं हैं। पता चला कि जो ये काट रहे हैं तो हमने कहा इन्हें मत काटिए, आप इन्हें कहीं शिफ्ट करिए, अगर आप तो जो है इन्हें काट नहीं है तो शिफ्ट कर दीजिए कहीं। तो बोला नहीं साहब, ये तो काटेंगे, ऊपर से आदेश है। मैंने यहाँ तो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जो है वृक्ष के लगाए जाएँ, फलदार वृक्ष लगाए जाए, मुराद सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है प्रदूषण के मामलों में, तो इसे तो रुकना चाहिए। हमने डीएम साहब के यहाँ है, डीएम साहब के यहाँ हमने ज्ञापन दिया, मैंने कहा इसे तुरंत रुकवाया जाए। बोले ठीक है, हम अभी भेजते हैं इस पर और हम पोर्टल पर भी डालते हैं, हम इसलिए यहाँ सारे लोग आए। ठीक ठीक।